रही बात बाद में, दोस्त दोस्त ना रहा, फिल्मी गाना सुना ना आपने? हाँ। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल इस आर लोकसभा की आसी विधानसभा में मौजूद हाँ, और 7 तारीख की चर्चा जो है आसी की, चंडीगढ़ कहूं या दिल्ली कहूं, ऊपर तक चल रही है कि 7 तारीख को आसी में जो है कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है उस पर भी चर्चा करांगे, और भी राजनीतिक कई मुद्दे हैं सब पर जो है चर्चा करांगे। और कृष्ण चेयरमैन जी बीजेपी के बड़े नेता है, और साथ में जो है आप देखने लग रहे हो फ्रेम में एक पे एक बढ़ के जो है हस्ती बैठी है, सब पर बात करांगे। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, आपका वेलकम करता हूँ केसी फार्म में आने पर, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम मेरी तरफ से, और आपका भी स्वागत हार्दिक गहराई, दिल की गहराई। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर बात करूं सबसे पहले 7 तारीख की करेंगे जी, दो दो एमपी जो आने लग रहे हैं एक साथ में, और एक तो जो है मंत्री जी भी है, केंद्रीय मंत्री। तो चर्चाएं जो है चल रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा हो रहा है 7 तारीख? नहीं, यहाँ राविंद्र जी और चौधरी धर्मवीर जी के साथी मित्र बहुत है, आसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे जिले में ही है, जिसमें नारोंद भी आ गया, आसी भी आ गया। हम सभी दोस्तों ने फैसला किया कि हम दोनों नेता हमारे, राव इंद्रजीत जी छठी बार मेंबर पार्लियामेंट बन के मंत्री बने हैं केंद्र में, और चौधरी धर्मवीर जी तीसरी बार सांसद बने हैं, मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। तो हमने ये फैसला किया सभी साथियों ने जो उनकी टीम है कि भाई हम, हमारे दोनों नेताओं का इस खुशी के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें उनका, हम खुशी अपने वर्कर्स के साथ सेलिब्रेट करें। मेन मकसद तो ये है सर, आपने कहा मेन मकसद ये है, कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो कि स्वागत समारोह के बहाने आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो? नहीं, शक्ति प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं है, शक्ति प्रदर्शन का समय आएगा जब देखेंगे। अगर शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा तो हम कोई कमजोर थोड़ी ना है, हमारे नेताओं का जो आदेश होंगे वो हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी शक्ति प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं है। समय आने पर वो, अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ी, और हम तो शक्ति 24 घंटे हाजिर रहते हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, फील्ड में लोगों के लिए दोनों नेता हमारे काम कर रहे हैं, चौधरी धर्मवीर जी 24 आवर, राव इंद्रजीत जी 24 आवर हाजिर रहते हैं, कोई किसी किस्म की 24 घंटे 36 बिरादरी के लिए उनके दरवाजे खुले रहते हैं। तो शक्ति प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं आज के दिन। बात करूं मैं, राव इंद्रजीत जी को जो है फुल रैंक नहीं मिली, मन में टीस है। हाँ, हमारे बिल्कुल दर्द है इस बात का, और हमारे क्या है, पूरे अहिरवाल क्षेत्र में और हरियाणा में जितने उनके चाहने वाले हैं, जो दर्जा उनको कैबिनेट का मिलना चाहिए था, मैं निसंकोच कहना चाहता हूं कि उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। जो सभी साथियों को दुख है, पूरे अहिरवाल क्षेत्र में भी, और विशेष तौर पे लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव और भिवानी में, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी का मेन योगदान रहा है, और आज उनको जो पद मिलना चाहिए था भारत सरकार में, जो मंत्री पद मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया, उसका हमें गिला है, दुख है, हमारे कोई नहीं है, पूरे अहिरवाल क्षेत्र को 15 सीटें ऐसी हैं जिनको दोनों नेता प्रभावित करते हैं, और पीछे जितनी सरकारें बनी हैं आज तक भारतीय जनता पार्टी की, दो योजना राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी का मेन योगदान रहा है उन सरकारों में बनाने में। तो देखो ये किस लेवल पे हुई, कहां गलती हुई है, तो ये तो पार्टी हाईकमान को सोचना है, बाकी हमारे जो दिल में टीस है वो हम जरूर आपको जो है ना, आपके माध्यम से अपने नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, ऊपर हाईकमान तक, कि भाई ये जो अनदेखा किया गया है इनको ऐसा ना हो। अच्छा, ये तो ठीक था, उसके बाद जो है राव साहब या उनके समर्थक चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, लेकिन अमित शाह जी ने वो भी क्लियर कर दिया कि नायब सैनी ही जो है नेता रहेंगे। नहीं, चलो वो तो पार्टी का अपना फैसला है, उनको हो सकता है कि नायब सैनी में ज्यादा फायदा दिखता हो पार्टी को, भाई नायब सैनी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए हो, हम तो चाहते थे और आज भी चाह रहे और आगे भी चाहेंगे कि राव इंद्रजीत जी प्रदेश की कमान संभाले, ईमानदार और सब छवि के नेता हैं, राव तुलाराम जी के वंशज हैं, और पूरे हरियाणा में
उनकी लोकप्रियता है, ईमानदारी से वो काम करते हैं, एक कोई दोनों नेताओं पे किसी किस्म का दाग नहीं है, तो पार्टी को मौका देना चाहिए, पार्टी हाईकमान को मौका देना चाहिए इन दोनों नेताओं को कार्य करने के, यूज करो इनको ताकि पार्टी को फायदा हो आने वाले चुनाव में। लेकिन पता नहीं कहां से किस लेवल पे कहां फैसले होते हैं, ये हमारे से बहुत बड़े लेवल की बात है, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, ये पार्टी हाईकमान जाने और दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेता जो हैं पार्टी के, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, ये उनका अपना फैसला है, वो किस लेवल पे करते हैं कैसे करते हैं इस बात से मैं अनभिग हूं। मेरे दिल में जो टीस है, हमारे साथियों को भी इस बात का दर्द है कि यार कहीं ना कहीं हमारे को जो चीज मिलनी चाहिए थी और जो आगे उम्मीद कर रहे थे वो भी हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, तो ये फैसला पार्टी हाईकमान को करना है, वो कैसे इनको एडजस्ट कर पाते हैं, कहाँ करेंगे, कैसे इनसे काम लेना चाहते हैं, तो ये इस बारे में तो मैं इतना ही करना चाहूंगा। बाकी हमारे दोनों नेता बताएंगे, 7 तारीख को यहाँ पे 3 बजे वो आ रहे हैं, आप भी मैं आमंत्रित करता हूं सभी साथियों सहित यहाँ पहुंचे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो ये सवाल आप हमारे नेताओं से पूछें। बिल्कुल सर, एक बात जो हमें आपकी इंडिविजुअल कर लेता हूं, आपने जो है किसी वक्त आपके पास टिकट थी, किसी को दे दी थी और बाद में जो है चल के वही बंदा आपके एंटी हो गया और आपकी टिकट कटवा दी। नहीं चलो वो वक्त वक्त की बात है, मेरी टिकट नहीं काटी गई कभी, मेरी टिकट शुरू में दी गई थी मेरे को चौधरी धर्मवीर जी जब कांग्रेस में होते थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी धर्मवीर जी, मैं दोनों से दिल्ली में मिला, तो चौधरी धर्मवीर जी ने कहा भाई 80 में जो टिकट देने जा रहे हैं वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की मार्फत पार्टी जो है ना उनके खाते से देगी, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा जी मैं चुनाव लड़ने की बजाय, मेरी बजाय मेरे दोस्त है विनोद भ्याणा, आप उनको टिकट दे दो, विनोद भ्याणा को मिल गई, मेरे को मिल गई। वो कहने लगे भाई बार बार मौके नहीं आते जीवन में, बाकी आपकी मर्जी। तो हमने उन विनोद भ्याणा को रिकमेंड कर दिया और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने और चौधरी धर्मवीर जी ने जो पहला चुनाव विनोद भ्याणा ने लड़ा था हाथ के निशान पे, वो उनके आशीर्वाद से टिकट मिली थी और उन्होंने ही राजनीति में नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस पार्टी में इनकी एंट्री करवाई थी विनोद भ्याणा जी की। रही बात बाद में दोस्त दोस्त ना रहा फिल्मी गाना सुनाया ना आपने, तो उस चीज में मुझे गिला है, मेरे को दुख है कि भाई हमने उनके लिए काम भी किया है जे मित्र, उसके बावजूद उन्होंने हमें हर बार हर बार हर पल कदम कदम पे रोड़े अटकाए कामों में, चाहे वो कोई काम हो, हमने कभी इंडिविजुअल काम की नहीं कही उनको, हमने हल्के के विकास की बात करी कि विनोद जी शहर में ये समस्या अब सीवरेज समस्या है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ छोटा सा आपके सामने, हमारा शहर आधे घंटे बारिश हो जाए जलमग्न हो जाता है। 1975 में 1975 में सीवर लाइन डाली गई थी शहर में, वो उसके बाद 10 गुना जनसंख्या बढ़ गई 80 की, तो क्या इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था कि ये लाइन जो हमारी उस टाइम डली थी और उस टाइम से आज तक 30 साल के लिए डालते हैं, हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट बनाती है वो 30 साल के लिए बनाती है, 30 साल हमारे पूरे हो गए थे 10 साल पहले ही, 5-7-8 साल पहले, बिल्कुल, तो क्यों ना इस पे काम किया गया, ध्यान देने की बात थी बिल्कुल इस पर। दूसरी बात, अभी पिछले साल स्टॉर्म वाटर के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, आज तक उनके कनेक्शन नहीं हुए, पूरे शहर में जल भराव होता है, अगर वो प्रॉपर ध्यान से अच्छे अधिकारी लगा के अगर वो कनेक्शन करवाए जाते आज ये हाल नहीं होना था, पीने का पानी हमें उपलब्ध नहीं होता, आज बारिश का मौसम है, इस टाइम भी गर्मियों में तो कट लग्या ही लग्या, आज भी कट लग रहा है, तो क्या ये अनदेखी मतलब एक लापरवाही नहीं है क्या? बिल्कुल है। मैं सच्ची बात कहने में कोई गुरेज नहीं करता, विधायक है वो अपने पद पर है, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और हम सभी साथी जो भी यहां बैठे सभी की तरफ से मैं सामूहिक तौर पे ये बात कह रहा हूं कि लापरवाही हुई है विधायक के द्वारा, अनदेखी की गई हल्के की,
हमारी पेटवार डिस्ट्रीब्यूटरी का पानी का हिस्सा 875 क्यूसिक बनता है, 45 दिन में पानी आता है, 400 क्यूसिक पानी हमें अपर हेड से मिलता है, मोला हेड से। क्यों भाई, हमारा हक है 875 क्यूसिक, क्या उसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी? बिल्कुल लड़नी थी। पानी नहीं है गाँव में, हमारे जो टेल एंड सात बास का उदाहरण है मोटे तौर पे मेरे पास, उमरा, सुल्तानपुर, रामायण, डडेरी, देपड़, मामनपुरा, प्रेमनगर, मुजादपुर, कंवारी, पीने का पानी हर गांव में डेली टैंकरों से पानी आता है और 10,000-10,000 रुपए का मोल आता है बड़े बड़े गांव में। शर्म की बात है, एक तरफ तो हम सपना ले रहे कि हंसी को चमका देंगे, कई स्टैचू बना दिए, कहीं सड़कें उखाड़ के नगर पालिका से बजट लेके सड़कें बनवा दी शहर की 4-4, 5-5 बार। आज सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, जो सड़कें उखाड़ दी उनका क्या हाल होगा? कोई आदमी पूछने वाला हो भाई आज से पहले कहां सो रहे थे? 10 साल हो गए सरकार को, कहां थे विधायक जी? विनोद भ्याणा जी से कोई पूछे भाई आप यही थे? मैंने इनको एक सुझाव दिया, मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरे पास ठेकेदार आए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, जन स्वास्थ्य विभाग के, कहने लगे जी एक्शन जो है इस टाइम मौके पे वो लेडीज है और लेडीज का काम हेड ऑफिस में बखूबी अच्छे से निभा सकते हैं। मैंने कहा भाई लेडीज भी बहुत बड़ी एक्टिव हो सकती है, कोई हर फील्ड में आगे बढ़ चढ़ के काम करती है, कोई ऐसी बात नहीं। वो कहने लगे जी बहुत दिक्कत हो रही है, ना कोई पेमेंट हो रही, पेमेंट हो रही है तो कहते हैं पहले कमीशन रखो टेबल पे। मैंने फिर विनोद जी से मिला, मैं उनको कहा, एक ठेकेदार ने मुझे विनोद जी का नोट लेके दिया भ्याणा साहब का, कहने लगा जी ये नोट है। मैंने राव इंद्रजीत जी से बात करी और धर्मवीर जी से कि जी हमारा पूरा हल्का जन स्वास्थ्य विभाग की वजह से परेशान है, ये एक एक्शन जो कोई है बढ़िया काम करने वाला वो आप यहाँ लगा दो। उन्होंने यहाँ पे एक एक्शन बहुत बढ़िया डेप्यूट करवाया, विनोद म्याणा जी ने तीसरे दिन उसकी ट्रांसफर करवा दी बनवारी लाल जी को, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर को कह के। राव इंद्रजीत जी ने और धर्मवीर जी ने, राव अपना बनवारी लाल जी जो जन स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको बोल के उस अफसर को यहाँ लगवाया था। मैं इनके पास गया, मैंने कहा म्याणा साहब मेरी प्रार्थना है आप इस अफसर को मत बदलो, बहुत एक्टिव लड़का है, युवा है और ये काम करके दिखाएगा। बोला आपने राव इंद्रजीत और धर्मवीर जी का फोन कैसे करा दिया? वो कौन होते हैं मेरे क्षेत्र में इंटरफेयर करने वाले? मैंने कहा यार बहुत सीनियर लीडर है वो, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अच्छा किया, कोई गलत नहीं किया, आपको महसूस हुआ है मैं सॉरी फील करता हूं। बोले आपने नोट दे दिया मेरा। मैंने कहा आपका कॉन्ट्रैक्टर है चांदत गांव से, वो मेरे पास नोट लेके आया था, मैंने वो नोट जो है ना व्हाट्सएप करके बनवारी लाल जी को भेज दिया, वो इम्प्लीमेंट हो गया, तो क्या बुराई थी उसमें? बिल्कुल। आज जो हालात है शहर के ये नहीं होने थे, पानी का कट, आज भी जो है ना राशनिंग हो रही है पानी की, बारिश के रेनी सीजन में कभी राशनिंग हुई थी क्या? आज तक कभी नहीं हुई। एक तरफ ये कहते हैं मैंने वाटर वर्क्स बनवा दिया, इतना बड़ा वाटर वर्क्स मंजूर हुआ था उड्डा साहब के टाइम में, मक्कड़ साहब ने करवाया था, आदरणीय स्वर्गीय मक्कड़ साहब जो है उन्होंने डिमांड रखी थी, उस टाइम वाटर वर्क्स मंजूर हुआ था, वो चाहे बना हुआ हमारी पार्टी की जब सरकार आई। मैं पार्टी की कोई बुराई नहीं कर रहा इस बात में, लेकिन झूठी बात का सरे लेना गलत होता है। अब सपने दिखा रहे हैं कि बाखड़ा का पानी आएगा, अरे बाखड़ा का पानी कब आएगा? बाखड़ा का पानी वाटर वर्क्स में आएगा, उसकी फाइल अभी तक सिर्फ टेक्निकल प्रोज वो मिली है हमारे को, अप्रूवल मिली है, 1 साल लग जाएगा उसमें, उससे पहले प्रबंध क्या होगा? नहरों में पानी लाओ लड़ाई लड़के, ताकि हमारे वाटर वर्क्सों में पानी आए, गाँव के डिग्गियों में पानी आए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि विधायक जो है ना दिखावा ज्यादा कर रहे हैं विधायक जी, धरातल पे जो है पता नहीं तो उनको नॉलेज नहीं है, पता नहीं वो देहात के बारे में या शहर के बारे में वो पेन नहीं लेते, थोड़ा सा बिजनेस में ज्यादा ध्यान है। तो बिजनेस नहीं करना चाहिए राजनीति का आदमी को, व्यापार की तरफ, जनसेवा के लिए बनाते हैं लोग, इसीलिए हर 5 साल बाद MLA चेंज करती है जनता। झूठा आदमी गोली दे के लोगों को बरगला के वोट ले लेता है एक बार, तो 5 साल बाद वो माफ थोड़ी ना करेंगे जब चुनाव आएगा। अभी 2 महीने बाद देखना आप क्या हाल होगा। तो मैं तो देखो दुखी हूं इस बात से, और सच्ची बात कहने के लिए कोई बुराई नहीं है,
लाग लपेट वाली झूठी बात बना के मत कहो, कभी भी सच्ची बात कहो, चाहे कुछ भी हो जाए, जनता के हित की बात कहने के लिए हमें चाहे अपनी जान नोछावर करनी पड़ जाए, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। लास्ट में जो है मैं भी यह बात कहना चाहूंगा कि पेड़ उसकी पौधे को जो है अपने फलदार होने पे ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पतझड़ में जो है फल तो छोड़ो पत्ते भी नहीं बचते है। लास्ट में जो है 7 तारीख का इन्विटेशन देना चाहूंगा। बिल्कुल, हल्के के सभी मेरे साथियों को, जितने भी मेरे प्रशंसक हमारे नेताओं के चाहने वाले, दोनों नेताओं के चाहने वाले जितने भी साथी मित्र हैं आशी हल्का के, नारनोंद के, वो आए और स्वागत करें और कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले। 7 तारीख इतवार को करीबन 3 बजे यहाँ कार्यक्रम होगा, तो मैं सभी को अपनी तरफ से और अब मेरे सभी साथियों की तरफ से, रामस्वरूप जी बैठे हैं डाटा से, राम कुमार जी डाटा से, जय सिंह है नानी राजू से, खिचड़ साहब, तो मैं हमारी पूरी टीम सभी साथियों को आमंत्रित करती है कि आप आइए, आपका स्वागत है और अपने नेताओं का स्वागत करें और उनके विचार सुने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत। आपने जो है विचारधारा सुनी, कैसी लगी, खुल के जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे और 7 तारीख को केसी फार्म में जो है संख्या में पहुंचकर जो है कार्यक्रम का आनंद उठाएं और अपने प्रिय नेताओं से मिलने का मौका पाएं। इसके बारे में जो खुल के कमेंट में अपनी राय रखें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।